नमस्कार मित्रों, जन संदेश न्यूज से मैं इंद्रदेव कुमार और मैं इस समय मौजूद हूँ देवरिया जिला के तपोभूमि दौरा बाबा आश्रम पे। और यहाँ पर आइए, हम लोग आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर दौरा बाबा महर्षि योगी राज दौरा बाबा आश्रम पर मौजूद हैं। और यहाँ दौरा बाबा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 500 वर्ष तक जीवित रहें। और यहाँ के निवासी भी, यहाँ के मूल निवासी भी कहते हैं कि हमारे तीन पीढ़ियाँ भी ऐसे ही देखती रहीं जैसे बाबा आज हम देखे हैं। और बूढ़े के समय भी वैसे ही थे और उनके बाबा दादा भी देखते हैं थे तो वैसे ही थे, 500 वर्ष तक जीवित रहे। जिला के मुख्यालय से लगभग यह तपो स्थल भूमि देवरिया जिला से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से रेलवे स्टेशन महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो ला रोड स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से तहसील 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी के दक्षिण दिशा में रेलवे स्टेशन एक है बेलथरा रोड, यहाँ से बेलथरा रोड की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और आने जाने की यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा एवं सुंदर व्यवस्था है, कोई यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक से एक बड़े हस्तियाँ यहाँ पर आई और बाबा से यहाँ आशीर्वाद ली, जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम ऐसे दिग्गज महान विभूतियाँ यहाँ पर आईं और यहाँ से आशीर्वाद लेकर गईं और अपना विजय पताका लहराईं। मैं इस समय मौजूद हूँ दौरा बाबा आश्रम पे और यहाँ पे बाबा से मैं बात करता हूँ यहाँ के बारे में। बाबा जी, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा किस पावन भूमि पर जो ऐसे तो महापुरुष हैं, यहाँ समस्याएं क्या है? समस्याएं यही है कि जो आगंतुक हैं दूर दराज से, पर्यटक के दृष्टि से यह स्थली घोषित है, लेकिन तदनुसारेण यहाँ इसका कोई विकास वगैरह नहीं हुआ है। मैं आग्रह यही करूँगा यहाँ के विधायक से और MLC वगैरह से, शासन प्रशासन से, कि आगंतुकों के आने लायक यहाँ पर सुविधाजनक व्यवस्थाएं प्रदान किया जाए तथा काना शिष्य स्थल को रमणीक से रमणीयता प्रदान किया जाए, जहाँ पर बिल्कुल हो अच्छी क्वालिटी के गौशाला हो, दीन दुखिया गरीबों के लिए काना से आवासीय व्यवस्था हो, दूर दराज से आए हुए यात्रियों के लिए आवासीय सुव्यवस्थित व्यवस्था हो तथा राम जी की इच्छा से एक पुस्तकालय हो, औषधालय हो, विद्यालय हो। इस प्रकार से महाराज जी महापुरुष थे, उनके नाम पर बहुत सी चीज़ें अभाव है। अतः मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा कि यथाशक्ति इस पावन भूमि को दिव्यता प्रदान करने का कष्ट करें। महाराज जी, मैं सुने पाया है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय कृषि संस्था यहाँ पर आने वाली थी, क्या हो उसके बारे में कुछ बताएं? ब्रह्मर्षि योगी राज देवरा बाबा के पास में मझौली नरे 600 एकड़ जमीन दान किए हैं जी, जो कि काफ़ी जमीन है। ऐसी स्थिति में मेरी भी आकांक्षा है कि बाबा के नाम से पीठ पर गोरखनाथ आदि के नाम से आदि नाथों से बना है जी। उसी प्रकार से देवरा बाबा ऐसे संत थे जहाँ मोहन अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, नित्य गोपाल दास, रामचंद्र परमहंस, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, सतुआ बाबा से लेकर के आपके महेश जोगी से लेकर के और श्री राम शर्मा आदि, और राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा जी, जवाहर जी, लाल किशोर अटवानी, अटल जी, भारत के ऐसा कोई नहीं है, वीर बहादुर सिंह, बिहार के कान्हा जगन्नाथ मिश्रा और आपके आदि आदि तमाम हस्तियां काना से बाबा के चरणों का इस रज का मट्टी का रंग लगाती थी। तो ऐसे महापुरुष के नाम पर ऐसा कोई अच्छा कीर्ति होनी चाहिए, पर्याप्त जगह भी है।
मैं भी शासन से यही आग्रह करता हूँ कि भगवान उच्च विचार दें कि इस पावन भूमि पर एक बाबा के नाम से इस प्रकार से जनहित का कार्य होता है। धन्यवाद। बाबा जी ने अपने मुख्य बिंदु से तमाम हस्तियों के यहाँ पर आने का संदेश दिया और यहाँ पे जो भी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे सरकार द्वारा किए जाने के लिए आग्रह किए। विधायक और सांसद निधि से जो भी व्यवस्था है बनी है वहाँ पर व्यवस्था होना निश्चित किया जाए। संदेश क्या देना चाहेंगे भारतवासियों को? इस मिट्टी से हमेशा अच्छा ही संदेश जाता था देव हवा के द्वारा। संत का धर्म ही जन हिताय का कार्य करना है तो मेरा देश समृद्धशाली हो, गौ माता का हमारे देश में जो हत्याएं होती हैं वो बंद हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अपने धर्म का कानों से मंगल हो, अपने धर्म के प्रति हमारे भारतीय संस्कृति के नौजवान अपनी संस्कृति का कानों से गौरव बढ़ाएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, यही मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कानों से भारत आते हैं मेरे द्वारा शुभ संदेश प्रदान करता हूँ। आपको यहाँ पर दिखाएं देहरा बाबा का यज्ञशाला। आइए थोड़ा नज़दीक कैमरा में आपको दिखाते हैं यहाँ का यज्ञशाला है, जिसमें यहाँ पे जो भी यज्ञ होता है यज्ञ का यहाँ भी पूजन होता है। और आइए नज़दीक से दिखाया जाए आपको। ये स्थल यज्ञ करने का स्थल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञ होता है। जब भी कोई यहाँ पे धर्म कार्यक्रम आयोजित होता है तो यहाँ पे धर्म का यज्ञ होता है। और आपके सामने यहाँ पे गुरुकुल व्यवस्था है और गुरुकुल व्यवस्था में यहाँ छात्रावास है, जो बच्चे यहाँ पर रख के शिक्षा प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा के आश्रम में रख कर ही यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है गुरुकुल द्वारा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैमरा मैन पास में आए और यहाँ पर दिखाएंगे आपको एक पोखरा है जिसमें पानी कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं और यहाँ पे पानी तो नहीं दिख रहा है, सूखा है इस समय और देख ते हैं क्या है, पानी है कि नहीं, पानी है, पानी सूखा है, पानी सूखने के वजह से हमें ज़्यादा झाड़ घास वगैरह जम चुका है। पशु भी देख सकते हैं आप कैमरे के सामने, एक पशु है जंगली लील गाय जिसे कहा जाता है। और इस लील गाय जो ठंडे के मौसम में अभी खड़ी है, बहुत काफ़ी ठंड है, ये जनवरी का महीना है और ये एकांत और शांत पवित्र जगह है। यहाँ पे आने के बाद आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ये बहुत तपोस्थली भूमि है, आप देख सकते हैं इधर दिखाएं, यहाँ तमाम तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हर तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पौधा है रुद्राक्ष का भी है और एक पौधा है जो कि कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वो भी एक वृक्ष है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे अंदर चल के। तपोस्थली माचा के अंदर मैं चलूंगा इस मुख्य गेट के माध्यम से और आपका बाबा का माचा हम दिखाएंगे अंदर चल के। आइए चला जाएं और इंटरव्यू हम करते हैं देहरा बाबा के इस मुख्य गेट से और उस जगह पर मैं आपको ले चलूंगा जहाँ देहरा बाबा रहते थे और यहीं से सारे यहाँ भक्त जनों को
यहाँ से ही आशीर्वाद दिया करते थे। और आपको उस जगह दिखाता हूँ, आइए चलते हैं उस जगह पे जहाँ श्री योगी राजदरा बाबा रहा करते थे। राहा बाबा यहीं से भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पे, और बहुत अद्भुत ये जगह है जो कि कई वर्षों तक, यहाँ सैकड़ों वर्ष तक जीवित माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। देवराहा बाबा जी यहाँ पर रहा करते थे और यहीं से तमाम विभूतियों को आशीर्वाद इसी जगह से दिए, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम ऐसे विश्व के और भारत के तमाम विभूतियाँ आई यहाँ से आशीर्वाद बाबा के लेके गए और अपने जीवन में सफल रहे। मुख्य बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो उसके पार्टी में एक चुनाव चिन्ह देखते हैं हाथ का पंजा, इन्हीं महाराज जी का देन है। और यही यहाँ पर आई थी इंदिरा गांधी, कहीं जब एक बार हारी थी चुनाव, गाय बछड़ा चुनाव निशान होता था, उनका और यही महाराज जी उनको चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा दिए और यहाँ से गई और चुनाव हाथ का पंजा से चुनाव लड़ी और जीती। आज तक जो है, आज तक वही चुनाव निशान कांग्रेस के है। मैं आपको ले चलते हैं इस समय कल्प वृक्ष, जो कहा जाता है, ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर आता है और अपने दिल से, सच्चे दिल से मान देता है जो भी इच्छा हो अपना जिंदगी में करने के लिए, वो यहाँ पर पूरा होता है। और आइए मैं दिखाता हूँ उस कल्प वृक्ष को। आप देख सकते हैं इस सामने एक कल्प वृक्ष है जो कि कहा जाता है कि पूरे भारत में बहुत कम ही ऐसे पौधे हैं और यहाँ पे बहुत अद्भुत माना जाता है। ये वृक्ष के सामने जो भी अपने सच्चे मन दिल से कोई भी चीज़ अगर मांगता है, यहाँ इच्छा पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के ऋषि मुनि कहते हैं। कितना विशाल है, बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। और यहाँ पे तमाम भगवान लगी हुई हैं, उस भगवान में एक वृक्ष भी है जिसमें एक अद्भुत वृक्ष है, माना जाता है इस वृक्ष को। आज आप देख सकते हैं यहाँ देवराहा बाबा का मुख्य विश्राम आश्रय है, इस अंदर था। आप देख सकते हैं सामने है आवाज सुन का, ये झोपड़ी पहले रहा करती थी, आज अब तो बन चुका है, पक्के निर्माण हो चुका है आवास। और इसी मकान में, इसी आवास में देवराहा बाबा रहा करते थे। और यहाँ से महज सटे घाघरा नदी बहती है, वहाँ से स्नान करके देवराहा बाबा यहाँ पर आते थे और यहाँ पर अपना पूजा पाठ करते थे। नित्य प्रतिदिन क्रिया होती थी उनकी। रूम है वो यहीं पर खाद्य सामग्री रखा जाता है इस रूम में। और इनका वाहन है यहाँ के बाबा का, जो कि इस वाहन अभी खड़ी है। और इधर भी दिखा दिया जाए कैसे कैसे जगह है, बहुत ही गंभीर जगह बन किया गया। रुद्राज का पेड़ इस आश्रम में लगा हुआ है और बहुत पुराना ये वृक्ष है, ये रुद्राज का, और बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है ये, माना जाता है ऐसा कि ये शंकर भगवान का एक तरह से वरदान ही रूप है। ये है रुद्राज का पौधा, आप देख सकते हैं।
एक ऐसा पौधा है, इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, इसका पेड़ भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा ये विश्रामालय बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पर्यटन भारत मंत्रालय सरकार द्वारा देराहबा आश्रम मंच मोइल देवरिया लोक निर्माण माननीय श्री कमलेश पासवान जी द्वारा सांसद बांसगांव ये माननीय श्री सुरेश तिवारी जी विधायक बरहज विधानसभा के भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर एक बहुत सुंदर अद्भुत चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महर्षि देराहा बाबा का चित्र भी है और दो बछड़े हैं और यहाँ पे तमाम जंगली पशु यहाँ पर बनाया गया है, अद्भुत एक सीनरी बनाया गया है। पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत एक सुंदर यहाँ पर बनाया गया है विश्रामालय, जो कि इस कमरे में सारी व्यवस्था यहाँ पर जो ठहरने की होती है वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और यहाँ एक बहुत लंबा रूम है जो कि इसमें ऑफिस भी है और ठहरने का सोने का बैठने का भी व्यवस्था इसमें है, जो कि इस कमरे में इस मकान में कम से कम 200-300 लगभग यहाँ बेड भी है सोने बैठने का, यहाँ आराम कर सकते हैं, बाहर से जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आराम करते हैं।